गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। ये साइंटिफिक चैनल है, इस साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा इंडाइजेशन, जिसे आप अनपच भी कहते हैं, जिसे आप बदहजमी भी कहते हैं, साइंटिफिकली जिसे हम डिस्पेप्सिया भी कहते हैं, उसके रीजंस या काजेस के बारे में। तो इंडाइजेशन के क्या साइंटिफिक रीजंस हो सकते हैं, इनको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नाउ कुछ सच्चाइयां हैं जिसको आपको समझने की जरूरत है कि जब हम इंडाइजेशन की बात करते हैं, इसका मतलब है कि नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है जहां मेरा हाथ रखा है, इसमें एक डिस्कम्फर्ट की फीलिंग। ये जो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग है, ये वास्तव में दर्द भी हो सकता है, ये कभी कभी यहां के अलावा सीने में भी महसूस हो सकता है। ये जो इस तरह का डिस्कम्फर्ट है, इसके साथ हमेशा कुछ और सिम्टम्स आते हैं जिन्हें आप देखिए। इसके साथ ब्लोटिंग की फीलिंग आती है कि पेट कितना तन गया। इसके साथ बेल्चिंग आती है कि आपको बार बार डकार आती है, हवा बाहर निकलती है। इसके साथ आपको बर्पिंग होती है, ऐसा डकारन जैसी फीलिंग आती है। इसके अलावा कभी आपका जी मिचलाता है, लगता है उल्टी हो जाएगी। इसके अलावा आपको यह लगता है कि खाना तो मैंने इतना सा खाया, लेकिन पेट मेरा इतना कैसे तन रहा है। इतना सा भी खाना खाने के बाद आपके जो पेट है, इसमें 5 किलो का वजन जैसा महसूस होने लगता है। अगर हम इन सब चीजों को देखें, दैट इज पेट का फूलना, डकारों का आना, जी का मिचलाना, हल्का फुल्के दर्द की जो फीलिंग ऊपर की तरफ आती है, ये इंडाइजेशन, बदहजमी, अनपच और डिस्पेप्सिया, ये इन्हीं के पूरी सिम्टोमेटोलॉजी है जिसके रीजंस के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, इंडाइजेशन का जहां तक सवाल है, इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि ये हर आदमी को कभी ना कभी तो होती ही होती है। ये इस पर भी डिपेंडेंट है कि आपने क्या खाया और आपने किस तरह खाया, मतलब हाउ यू ईट एंड व्हाट यू ईट, ये इंपॉर्टेंट है इंडाइजेशन के लिए। लेकिन इंडाइजेशन हमेशा सिर्फ इसी पर बेस्ड नहीं है, कभी कभी इंडाइजेशन किसी बीमारी या किसी प्रॉब्लम का संकेत होता है। आज मैं उनको एनालाइज करूंगा। नाउ अगर हम इंडाइजेशन की कंडीशंस को ध्यान से देखें, नंबर 1 इज द गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम। जो कोलेसिस्टाइटिस है या गॉल ब्लैडर में जो इन्फ्लेमेशन है, वो कभी कभी पेट में अनपच, इंडाइजेशन लेके चलता है। ये जो गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, स्टोन से रिलेटेड हो सकती है, ये बिना स्टोन के हो सकती है। जो बिना स्टोन के होती है, उन्हें कहते हैं ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। ये जो इस तरह की प्रॉब्लम है, कभी दर्द का अटैक लेके भी आ सकती है, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, और कभी कभी एक क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस हो सकती है जो सिर्फ इंडाइजेशन लेके चलती है, इन पे पेट में भारीपन, अफरा या तनाव लेके चलती है। द सेकंड वन इज द एक्यूट और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। जो गैस्ट्राइटिस है, इसका मतलब है कि खाने की जो थैली है जिसमें खाना इकट्ठा होता है, ये वास्तव में इसकी जो लेयर है उसमें कुछ इंफेक्शन डेवलप हो गया। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें सबसे कॉमन रीजन इज द हेलिकोबैक्टर इंफेक्शन। एक बैक्टीरिया है जो इंफेक्शन करता है खाने की थैली की सतह में, इन वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। द सेकंड वन आर द इरिटेंट्स जो हम यूज करते हैं। हम तंबाकू यूज करते हैं, हम गुटखा यूज करते हैं, हम पान मसाला यूज करते हैं। दीज इरिटेंट्स आर द रीजंस जो खाने की थैली में जो लेयर है उसको डैमेज करने की ताकत रखते हैं। जो अल्कोहल लार्जर अमाउंट, ये खाने की थैली को इरिटेट करती है। अगर आप पेन किलर रेगुलरली लेते हैं तो ये आपके खाने की थैली को डैमेज करने की ताकत रखती है। ऐसे ही आपकी बहुत सारी डाइटरी हैबिट्स होती हैं जो इस तरह का इंडाइजेशन लेके आती हैं, अगर खाने की थैली में डैमेज हुआ तो। द नेक्स्ट वन इज द गैस्ट्रिक अल्सर। जो खाने की थैली है उसमें अल्सर डेवलप हो जाता है। खाने की थैली में जो अल्सर है, वो वास्तव में 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 बिनाइन अल्सर्स होते हैं, जो बिल्कुल सामान्य होते हैं और दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। कुछ मेलिग्नेंट अल्सर्स होते हैं, इसका मतलब यह है कि खाने की थैली में जो अल्सर है या घाव है, वो वास्तव में कैंसर का घाव होता है, जो अल्सर जैसा जो ना प्रेजेंट करता है। तो जो इंडाइजेशन है, वो कभी गैस्ट्रिक अल्सर से आता है, जो बिनाइन भी हो सकता है, वो कैंसरस भी हो सकता है। जब भी अल्सर होगा तो इसके साथ हमेशा दर्द आएगा, हमेशा वेट लॉस आएगा और एक इंडाइजेशन आएगा। तो इंडाइजेशन, पेन एंड वेट लॉस, वो हमेशा जो ना अल्सर की तरफ इंडिकेट करता है। ये जो इस तरह के अल्सर्स होते हैं, इनका फूड पेन रिलेशन भी है, इन द सेंस कि यूजुअली खाना खाने के बाद ये जो गैस्ट्रिक अल्सर के पेन है वो हमेशा बढ़ जाते हैं। तो अगर इंडाइजेशन है,
पीठ में दर्द है, एंड वेट लॉस भी हो रहा है, तो गैस्ट्रिक अल्सर पर ध्यान देने की जरूरत है। द नेक्स्ट वन इज द GERD, या जिसे कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। वास्तव में GERD में तो खाने की जो नली है उसमें एसिड आता है तो सीने में जलन होती है, लेकिन इंडाइजेशन यूजुअली कभी कभी इसको लेके आ जाता है कि प्रॉब्लम तो यहां है लेकिन जलन यहां महसूस हो रही है, तो इंडाइजेशन यूजुअली कभी कभी GERD के सिम्टम्स लेके आ जाता है। नाउ जैसा मैंने अभी कहा, हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन को एक बार फिर रीएम्फेसाइज करने की कोशिश करूंगा। ये कुछ तरह का बैक्टीरिया है जो खाने की थैली की जो इनसाइड लाइनिंग है, जिसे म्यूकोजल लेयर कहते हैं या म्यूकस लेयर भी कहते हैं, उसको डैमेज करने की ताकत रखता है। जो डैमेज करता है ये गैस्ट्राइटिस करता है। इसका मतलब है खाने की थैली की सतह में स्वेलिंग करेगा, रेटनेस करेगा, दाने लेके आ जाएगा। ये कभी कभी अल्सर जैसी बीमारी बना देता है जिसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, या कभी ड्यूरनल अल्सर भी लेके आ जाता है। वास्तव में इसे कार्सिनोजेनिक माना जाता है कि हेलिकोबैक्टर का जो इंफेक्शन है ये खाने की थैलियों को प्रीडिस्पोज करता है कैंसर के डेवलपमेंट के लिए। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसा इंडिया है, इनमें हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन इज वेरी वेरी कॉमन। जितने भी क्राउडेड प्लेस हैं, जहां ओवर क्राउडिंग है, जहां एक उसमें जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो ओवर क्राउडिंग के चलते ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनमें जो हेलिकोबैक्टर का इंफेक्शन इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। द नेक्स्ट वन इज द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जब हम IBS की बात करते हैं तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वास्तव में कोलन की प्रॉब्लम है या बड़ी आंत की प्रॉब्लम है। ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ऊपर की जो इंटेस्टाइन है, खाने की थैली, इनके सिम्टम्स भी कभी सामने आ जाते हैं। उनमें से डिस्पेप्सिया इज ए वेरी वेरी कॉमन मैनिफेस्टेशन। जब डिस्पेप्सिया का मतलब है कि थोड़ा सा भी खाना खाएंगे तो पेट फूलेगा, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ में जो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं वो दो कैटेगरी में आते हैं। वन इज द PPDS, दैट इज पोस्ट प्रेंडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें एक पेट फूल जाता है। इन कभी कभी दूसरा आ जाता है, दैट इज PPPS, दैट इज पोस्ट प्रेंडियल पेन सिंड्रोम, जिसमें पेन इज अ वेरी कॉमन फीचर। तो डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, पेन सिंड्रोम हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेस। जो स्ट्रेस होती है वो बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आती है, इन द सेंस कि जो स्ट्रेस है वो आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाती है, ये आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन का लेवल भी बढ़ाती है। तो ये दोनों चीजें जब ऊपर की तरफ आती हैं तो वास्तव में एसिड का प्रोडक्शन ऊपर चला जाता है और एक इंडाइजेशन की फीलिंग आने लगती है। ये भी बात सही है कि जो खाने की थैली की मोटिलिटी है, इसको भी कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन दोनों ये इसको डिस्टर्ब करने की ताकत रखते हैं। अगर ऐसा है तो एक इंडाइजेशन, खाना खाने के बाद पेट फूलने की फीलिंग आएगी। नाउ दीज आर द रीजंस जिसके चलते आपको बदहजमी, इंडाइजेशन, अपचन या डिस्पेप्सिया सामने आता है। नाउ कुछ मेडिकेशंस हैं जो आप यूज करते हैं रोजमर्रे में, वो कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम लेके आती हैं। जब भी आप एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं वास्तव में इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया आता है। अगर आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या पेन किलर यूज करते हैं तो उससे इंडाइजेशन या डिस्पेप्सिया आता है। तो जब भी आप कोई दवाइयां लेते हैं तो ध्यान से देखिए, कहीं इनके चलते तो आपको इंडाइजेशन या अपचन सामने नहीं आ रहा है। नाउ देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जो आपके कंट्रोल में है, जिन्हें आप ठीक करेंगे तो इंडाइजेशन, बदहजमी नीचे की तरफ आएगी। अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं, इसको आपको कंट्रोल और रिड्यूस करने की जरूरत है, इससे फर्क पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा कैफीन लेने की जरूरत है, कि 8 कप कॉफी पीते हैं, 6 कप कॉफी पीते हैं, अगर आप कैफीन ज्यादा लेते हैं उसको रिड्यूस करने की जरूरत है, इंडाइजेशन में फर्क पड़ेगा। आपको अगर आदत है कि आप बहुत ज्यादा फैटी एंड स्पाइसी फूड खाते हैं, इसे आप अलग करिए, इंडाइजेशन या बदहजमी में फर्क पड़ेगा। अगर आपको आदत है बहुत जल्दबाजी में खाना खाने की, कि जल्दी जल्दी आप हड़बड़ी में खाना खाते हैं, उसको स्लो डाउन करिए, धीरे खाइए, चबा चबा के खाइए, बदहजमी या इंडाइजेशन है उसमें फर्क पड़ेगा। और अगर आपको निकोटीन यूज करने की आदत है, इन द सेंस कि आप स्मोकिंग करते हैं, पान मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं, अगर निकोटीन आप किसी भी उसमें यूज करते हैं, उसे अपनी जिंदगी से अलग करिए, बदहजमी, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, इसमें फर्क पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि ये चीजें आपके कंट्रोल में हैं, अल्कोहल आपने अलग की, कैफीन आपने अलग की, फैटी फूड आपने नीचे की तरफ किया, आपकी ईटिंग को हैबिट को इंप्रूव किया, इन स्मोकिंग टोबैको बंद की, तो इंडाइजेशन जो डिस्पेप्सिया है उसमें जरूर फर्क पड़ेगा। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो कभी कभी इंडाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कभी कोई इंफेक्शन है, जैसे सीबो है या स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, उससे भी भारीपन, इंडाइजेशन की फीलिंग आती है।
इनफेक्ट अगर कोलन में भी कोई इन्फेक्शन है, जैसे अमीबाइसिस भी है, तो कभी कभी उससे भी बदहजमी की फीलिंग आने लगती है। ऐसे ही खाने की थैली और नली के बीच में एक हर्निया हो जाता है, जिसे हाइटस हर्निया कहते हैं, उससे भी कभी इंडाइजेशन की फीलिंग आती है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो जो माइल्ड इंडाइजेशन है वो वास्तव में खाने की चीजों से या पीने की चीजों से होता है, और ये इस तरह का जो इंडाइजेशन है घंटे दो घंटे में अपने आप ही ठीक हो जाता है, आपको किसी उसकी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर ये मेडिकल कंडीशन के चलते है जिनके बारे में मैंने अभी बात की, तो ये जो इस तरह का जो इंडाइजेशन है इट मे नॉट डिसअपीयर, ये लिंगर ऑन कर सकता है जब तक कि आप किसी प्रोफेशनल को नहीं दिखाते हैं और अपनी डायग्नोसिस को फाइनल नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर इंडाइजेशन लंबे समय से परसिस्ट कर रहा है और रूटीन मेजर से ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यह किसी ना किसी अंडरलाइंग डिजीज या अंडरलाइंग प्रॉब्लम का संकेत देता है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इसको देखा जाए कि आपको जो बदहजमी हो रही है, आपको पेट में भारीपन आ रहा है, आपको जो इंडाइजेशन है, आपको अपचन महसूस हो रही है या डिस्पेप्सिया है, इसके पीछे कोई डिजीज प्रोसेस तो नहीं है जिसको इन्वेस्टिगेट करके ट्रीट होने की जरूरत है। अगर इंडाइजेशन के इस एस्पेक्ट को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।